आज आपके साथ कंपनी का जो न्यू टूर रहा है दुबई उसकी कुछ वीडियोस क्लिप आपको दिखाना चाहूंगी जो कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा ऑलरेडी कि जो हमने पहले वीडियो दिखाई थी वो वहां पर मैंने याश पार्टी की थी बहुत ऑसम रही थी यार मतलब उसका व्यू था। फिर नेक्स्ट अब मैंने इसके आगे जो वीडियोस लगाई है वो वहां पर जो हमारे साथ लोग गए थे तो यार 90+ थे। अब हम सबका तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि कुछ यहाँ के थे कुछ बाहर के थे तो उनमें से कुछ लोगों का जो हमारी स्पेशल कोर टीम मेंबर्स आते हैं उनके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाए हैं मैंने तो उसे उनके लफ्जों से सुनिए कि कंपनी का ये टूर कैसा रहा और कंपनी ने क्या क्या चीजें प्रोवाइड की। अब मेरी बातों पे मत जाओ, मैं तो कहती हूँ ऑसम प्लान है भाई, जुड़ जाओ। मेरी बात मत मानो, इन लोगों की तो बात मान सकते हैं। तो पूरे वीडियो अगर पसंद आते प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिलेगा। मिलते हैं आगे, टाटा बाय बाय। को जा रहा, टाटा बाय बाय नहीं करना है, वीडियो देख के जाना है। तो ये है हमारे विदित सर। सर बताइए कंपनी के साथ ये दुबई का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा और शायद ये फर्स्ट टाइम था जो हम लोग 90 लोगों के साथ में इस टूर पर गए और काफ़ी इंजॉय किया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर परफॉर्म की। कंपनी की तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं करी गई, चाहे वो हमारी फूडिंग से लेके और रुकने की व्यवस्था हो चाहे घुमाने के लिए हो, तो काफ़ी अच्छा ट्रिप था। और वहाँ पर हमारा जो इवेंट हुआ 2 दिन का वो भी बहुत ज़बरदस्त था, जहाँ पर हमारे जो है प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हुई और उस लॉन्चिंग में भी बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने बाइंग करी है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग के साथ में आप सभी जो लोग इस व्यूअर्स आपके देखें वो इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ शामिल हो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और नेक्स्ट टूर में हमारे साथ चलने की तैयारी करें। HTMC HD सर। तो ये है हमारे हरिशंकर सर और अपने दुबई का एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं हमारे सर। तो सर बताइए कैसा लगा आपको इस टूर में कंपनी के साथ? जहाँ तक दुबई का सवाल है अनुश्री मैम, मैं बताना आपको चाहता हूं कि दुबई जैसा कि आप सबको मालूम है दुनिया का बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट सिटीज में से एक है। जब भी आप कभी सोचें तो एक बार दुबई के बारे में हर आदमी का मन होता है वहां जाना। उसके पीछे रीजन ये है कि दुबई के अंदर कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जहां पर जाना लोगों का मन मानता है। जी हाँ, अगर मैं बात करूं दुबई की, तभी तक मैं 4 बार दुबई जा चुका हूं, लेकिन वो एक्सपीरियंस मुझे किसी और कंपनी के थ्रू नहीं मिला जो मुझे इस ट्रिप में मिला है। मैं अगर बात करूं दुबई की तो बुर्ज खलीफा की, बुर्ज खलीफा में हम जब लास्ट ट्रिप में गए तो हमको नीचे से ही फाउंटेन दिखा के वापस भी आया गया, लेकिन पहली बार मुझे बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे जाने का मौका मिला। इसके बाद अगर मैं कहूं कि बुर्ज खलीफा देखा, उसके बाद फ्यूचर म्यूजियम में अपने आप में एक बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस फील आया क्योंकि जिस तरीके से हमको वो लेते गए। इसके बाद अगर हम बात कर ले पाम जुबेरा के व्यू के टॉप व्यू से हम लोगों ने देखा, ऐसी जितनी भी डेस्टिनेशन थी, डेजर्ट सफारी का एक्सपीरियंस मेरा कई बार का था, लेकिन अल्टीमेट मैं आपको बताऊं कि ये ट्रिप बहुत ही प्लेजेंट ट्रिप और अपने आप में बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप है, ये हमेशा देखते हैं। थैंक यू सो मच सर अपने व्यूज को शेयर करने के लिए। ये है हमारे सूरज सर। सर बताइए दुबई का टूर आपके साथ कैसा लगा आपको कंपनी के साथ? सभी को बहुत बहुत नमस्कार। दुबई का टूर वाकई में बहुत ही बढ़िया था और देखिए क्या है कि बी आर मैनेजमेंट पर्सन, मैंने कई कंपनियों के लिए काम किया है और मैंने देखा भी है कि कंपनियां जो है बहुत कम खर्चा करती हैं। यहाँ पे हमने देखा कि दुबई की जितनी भी फेमस चीज़ें हैं
कंपनी ने उसको कवर किया है और जितने भी लोग गए थे उनके मुंह से यही निकला है कि इतना सारा जो भी व्यू है वो किसी कंपनी ने नहीं दिया है। तो हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पर्सनल लेवल पे भी मैंने किया है और जिन लोगों को हम लोग लेके गए थे उनका भी अनुभव बहुत शानदार रहा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बुर्ज खलीफा फ्यूचर म्यूजियम हो गया, मिराकल गार्डन हो गया, है ना, इसके अलावा ग्लोबल विलेज हो गया, ठीक है, क्रूज एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं बताऊंगा तो शायद 5 मिनट लग जाएंगे। तो आप भी कंपनी के साथ जुड़िए, अच्छा काम करिए, आपको इंटरनेशनल नेशनल बहुत सारे टूर मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। हे टीएमसी, हे डीजी सेवा। ये है हमारे अब्दुल सर। सर बताइए, कंपनी के साथ आपको ये दुबई का एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत ही शानदार रहा और मेरा तो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था। हालांकि एमएलएम कंपनियां बहुत गरीब, पर किसी ने आज तक इंटरनेशनल ट्रिप कराया नहीं। यहाँ जो बोला गया वो किया गया और भी मैंने बहुत से अनुभव लिए वहाँ जाके इंटरनेशनल ट्रिप में। कंपनी ने किसी चीज़ में कोई कंजूसी नहीं करी, खुद दिल खोल के अपने लोगों को घुमाया, खिलाया, पिलाया, महंगी से महंगी जगह ले गए। हालांकि मेरे साथ कई लोग ऐसे थे जो और भी इंटरनेशनल ट्रिप कर चुके थे, उन्होंने भी कहा कि यार हम पहले भी दुबई आ चुके, बट इतनी चीज़ें मैंने ना घूमी ना देखी। कंपनी आई, कहीं बुर्ज खलीफा के बाहर से घुमा के वापस लेके चली गई, कभी फ्यूचर म्यूजियम के नीचे से घुमा के लेके चली गई, बट अंदर तक किसी ने नहीं घुमाया। लेकिन पहली ऐसी कंपनी जिसने इतनी अंदर तक के हर एक चीज को घुमाया, फिराया, दिखाया, तो बहुत अच्छा रहा। और जो टीम थी साथ में वो भी काफी मोटिवेट हुई हमारी, उसको भी बहुत अच्छा लगा। बाकी हमारी पूरी टीम, पूरे परिवार, टीएमसी परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों सीएमडी सर, हमारे अभिषेक सर और प्रशांत सर। हे टीएमसी, तो ये है हमारे विशाल श्रीवास्तव सर। सर बताइए, दुबई का एक्सपीरियंस आपका कंपनी के साथ कैसा रहा? मैडम, दुबई का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही इनक्रेडिबल रहा, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आज तक जब कभी सोचा नहीं था कि मैं दुबई जाऊंगा, कोई इंटरनेशनल टूर करूंगा, और ये पॉसिबल हो पाया है डीजी सेवन और टीएमसी एंड धारागिरी की वजह से, जो मेरी लाइफ का सबसे इंक्रेडिबल मोमेंट रहेगा। कंपनियां बहुत सारी ले जाती हैं, इंटरनेशनल टूर कराती हैं, बट ये कंपनी, मतलब मैंने देखा बहुत ही अलग यूनिक तरीके का टूर कराया, क्योंकि इनसाइड द वे से जा करके, और आउटसाइड तो कराती कराती, इनसाइड द वे सारी एडवेंचर, सारा कुछ एंजॉय कराया और हम लोग ने अच्छे से एंजॉय किया। तो ये मेरी लाइफ का बहुत ही अलग मोमेंट था, इनक्रेडिबल मोमेंट था। तो मैं यही कहूंगा, जय हो टीएमसी, जय हो डीजी सेवन। थैंक यू सो मच सर। मेरा जो अनुभव टीएमसी टीम के साथ मिला वो कहीं नहीं मिला, और जितना सोचा था उससे ज्यादा कहीं मजा आया और एकता का पोटेंशियल लहराया। और टीम जो है हम लोग की बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, और हम लोग कुछ नया करना चाहते हैं। चलिए सर बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दुबई में? बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, बहुत मजा आया, और इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दुबई में तो मजा ही आ गया, वहां पर हम वैसे भी पहले 3-4 बार जा चुके हैं, लेकिन इस बार कम से कम 5-6 नई चीजें हमने वहां पर एक्सप्लोर की, जो कि डीजी सेवन के द्वारा हमें मिली। बहुत सारे चीजें जो हम पहले नहीं घूम पाए थे, लेकिन यहां पर ऐसा अब लग रहा है कि दुबई में कुछ भी नहीं छूटा, हमने पूरा दुबई घूम लिया। थैंक यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग ट्रिप थी और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डीजी सेवन, सबको करना चाहिए। और हम लोग दुबई गए, वहाँ पे सारी चीजें हम लोग ने घूमी, तो जैसा कि अभी शैलेश भाई ने बोला कि कोई भी चीज बची नहीं है कि अब घूमने के लिए, तो ये 4th-5th विजिट थी और अब फाइनल हो चुका है दुबई, मतलब अब नहीं जाना, अब यूरोप जाना। बहुत मजा आया। अगर दुबई के बारे में अगर हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस है करें, तो अच्छी बात यह है कि ये मेरा 4th टाइम था दुबई, बट हर बार जब भी जाते थे तो कुछ ना कुछ चीजें रह जाती थी, पता लगा दो चीज देखा, दो चीज बस रह गया। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा ट्रिप था कि एक ही बार में लगभग मोस्टली जो भी फेमस वहाँ पे थिंग्स है लगभग सब हम लोगों ने एक्सप्लोर करा, और हमें आशा है कि सारे लोग को मजा आएगा और आया भी होगा। और ये तो अभी ये दुबई का एक ट्रेलर था, अभी अभिषेक भाई इस डीजी सेवन के माध्यम से पूरी वर्ल्ड घुमाने वाले हैं। बहुत बढ़िया। दोस्तों नमस्कार, अभी तो शुरुआत हुआ है कंपनी में, मुश्किल से 10 से 12 दिन हुआ है, और दुबई जाने का जो मौका मिला वो काफ़ी बेहतरीन रहा, और इतना अच्छा जो वहाँ की व्यवस्था थी, सारा सिस्टम था, मैनेजमेंट, हर चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। आगे भी हम लोग सोचेंगे कि हर कंट्री जो है कि इससे घुमा जाए। धन्यवाद। दुबई का ट्रिप जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो हम लोग सोच रहे थे कि 7 दिन हम लोग दीवार से सर मारेंगे,
मतलब बोर हो जाएंगे कि दुबई मोस्टली दो तीन दिन चार दिन हद मार के चार दिन के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वहां से हम लोग वापसी आ रहे थे तो लग रहा था सात की जगह नौ दिन का टूर था, हम लोगों ने सात इसको कम कराया, नौ दिन भी होते तो और मजा आता। और लगभग दुबई मेरा भी चार टाइम चौथी बार हम भी गए थे और हर बार एक बार बुर्ज खलीफा छूटा था, अब के बुर्ज खलीफा हम लोग होके आए और पांच जुमेरा कभी नहीं गए थे ऊपर तक, वो भी होके आए और फरारी वर्ल्ड कोई नहीं ले गया। यहाँ तक वहां की गाइड भी बोल रही थी कि जितने भी टूर आते हैं कंपनियों के लोग इतना विजिट नहीं कराते जितना इस कंपनी ने विजिट कराया है, और सारी चीजें लग्जरी थी, मतलब कहीं पे एहसास नहीं हुआ कि ये कंपनी की ट्रिप है, ऐसा लग रहा था मतलब अगर आदमी अपने जेब से खर्चा करके जाता तो शायद इतना लग्जरी ट्रिप कभी ना लेता। धन्यवाद। एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त रहा, जबरदस्त था दुबई टूर कि मतलब बया मतलब अच्छे शब्दों में क्या कहें कि कोई उसका मतलब इस तरह का कोई दे नहीं सकता है जो इस कंपनी ने दिया है। तो इससे पहले भी हम इसके साथ जा चुके हैं नैनीताल वगैरह, तो जो प्लान इन्होंने किया था, मतलब इन्होंने मौके नहीं दिया कि आप सोचे कुछ, इन्होंने जो प्लान किया था कि सोचे कुछ यार कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे किधर जाना है किधर जाना, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ आप होटल में नाश्ता करिए, बस लगी हुई है निकलिए, और हम तो बिल्कुल 9 बजे ही तैयार हो जाते थे, बहुत लोग 11 बजे आते थे, हम सोचते समय का जितना उपयोग है उतना कर लो भाई, जितने आप जाओगे, और करीबन मुझे लग रहा हर एक के मोबाइल में कम से कम 5 से 10 हजार फोटो होंगी लगभग सबको, इसलिए बहुत बढ़िया टूर रहा। और हम लोग कंपनी के साथ में है और कल भी काफी अच्छा प्लान हम लोग ने किया, कल भी हम लोग ने 5.5 लाख का बिल डाल दिया, बस ठीक है बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा जी, एक्सपीरियंस बोल दिया है। अब मैं आप नीलेश जी से शुरू करना चाहूंगा। पहली बात तो सभी को नमस्कार, और आप लोग का सपोर्ट सहयोग रहा जिस वजह से मैं विनर बना, और बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं जीता, बड़ी बात यह है कि हमारे साथ में सब लोगों ने एंजॉयमेंट किया, और आई होप मुझे लगता है कि क्रूज के ऊपर में ऐसा कोई बंदा नहीं था जो मस्ती में नहीं था, ऐसा नो, और फुल एंटरटेनमेंट था, और लिटरली जैसा सब लोगों ने बोला सर कि ऐसा ट्रिप हमने वाकई हमने 3-4 बार विदेश यात्रा हमने करी, लेकिन ये जो ट्रिप रहा हम लोग का यादगार रहा, और यादगार के साथ साथ में आज तक लाइफ में कभी डांस में कंपटीशन में कोई अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे वो भी मिल गया। और सबसे बड़ी बात है कि यार सब लोग डांस कर रहे थे, इस बात का हमें ये नहीं कि हमने विन किया, इस बात का है कि हम सब लोगों ने एंटरटेनमेंट किया, एंजॉय किया, मैं चाहूंगा इसे तालियां सभी लोग बजाए खुद के लिए, और कोशिश करेंगे कि अगला जो ट्रिप रहेगा उसके अंदर और एंजॉयमेंट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय टीएमसी, थैंक यू। सबसे बड़ी बात, लोग बोलते तो हैं कि हाँ आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, लेकिन कभी मिलता नहीं है। सर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? मैम आपके हुआ कि नहीं? बात नहीं लीजिए, रिया जी आप। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं भी वही बोलूंगी जो सब लोग बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस टीएमसी का बहुत अच्छा रहा और आगे भी बहुत अच्छा जाएगा। वैसे तो अधिकतर कंपनियां बोलती हैं, पर ऐसा डांस का कोई ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया था कि एडवांस में पहले सोच के रखा गया था कि डांस का कोई कंपटीशन कराया जाएगा, पर वली ऐसे ही बस वर्मा सर ने रख दिया कि मतलब जो भी जीतेगा 1000 दिरहम ऐसे करके रखा गया था। तो फिर हम लोग जब वहां से चले आए तो काफी लोगों ने बोला कि देखा बस बोला गया था किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, हम लोग को भी लगा चलो भाई नहीं मिला, इंटरटेनमेंट तो हुआ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अगले दिन जूम मीटिंग रहा तो हमारे एमडी सर ने खुद से अनाउंसमेंट किया कि हमारा जो एक कॉन्सेप्ट था वो रह गया था, तो उसके लिए उन्होंने जूम पे हमारी वोटिंग कराई, वोटिंग करने के बाद जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के हम लोग दोनों नतीजे तीनों खड़े हैं यहाँ सामने आज, तो एक ही बोलेंगे अभिषेक सर को और प्रशांत सर को कि सैल्यूट है लोगों को, 1000 तोपों का सलामी कह लीजिए या लाखों तोपों का सलामी कहिए, अभी तक हमने असेंबली कहीं नहीं देखा है और आगे भी नहीं देखने की उम्मीद है, यही कंपनी पहली और आखिरी। शैलेश भाई आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा। तो जूम मीटिंग में भी बता चुका हूँ लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन रहा, खासकर वो डांस कॉम्पिटिशन मैं उसके लिए तैयार नहीं था, और मैं आपको बता दूं मैं 45 साल का होने वाला हूं लेकिन फिर भी उस समय मेरे पैर चलते रहे, अच्छा जजेस ने बता दिया तो पैर चलते रहेंगे तो वही जीतेगा, तो हमने कहा कुछ भी हो पैर चलते रहने चाहिए, चल धन्नो, थैंक यू। सर एक चीज बोलना चाहूंगा कि कहते हैं सर एक अभी देखिए एक माहौल बन रहा था, एक शायरी याद आ रही है, और ये हम सारे जितने भी कोर कमिटीज के लोग हैं उनके लिए है कि आंखों की आंसुओं को पिरो के हम मोती बनेंगे, आंखों की
आंसुओं को पिरो के हम मोती बनेंगे और दिल से करना डीजी सेवन। आप आने वाले एक साल के अंदर में 100% लखपति और करोड़पति बनेंगे दोस्त, करोड़पति बनेंगे। थैंक यू।